अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर। आज हम बताने वाले अजंता शहर में दशहरा किस तरीके से बनाया जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि हम पालकी के बारे में बात करने वाले और बाबू काका से बात करने वाले, जो आपको जो सुनील सेठ नज़र आ रहे, मंडावरे काका, रघु बापू और दिलीप भाई, जो इसी तरीके से पूरी मुकम्मल मालूमात देने वाले। पालकी निकलती बालाजी मंदिर से, तो वहाँ से लेके तो पालकी कहाँ तक जाती, ये वीडियो में देखना चाहिए लास्ट तक। हम बापू काका से बात करने वाले। कल जो दशहरे के शिव मुहूर्त पर बालाजी की पालकी गांधी चौक से शिलांगनी तक गई और सभी, दो साल के कोरोना की वजह से इस साल सभी को दर्शन का मौका मिला। अगर जिसने दर्शन नहीं लिया या हमारे अजंता चैनल के माध्यम से आप बालाजी पालकी का दर्शन ले सकते हैं। और ये जो वीडियो अजंता चैनल पे, ये लास्ट तक देखिए और दर्शन का लाभ उठाइए। सबको एक दूसरे को भाईचारे के हिसाब से गले मिलके, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई हो, मजहब का कोई सवाल नहीं है। रिश्तेदारी में भी जाते, सब जगह जाते, एक दूसरे को सोना देते, गले मिलते। और आओ हम आने वाला पीरियड मिलजुल कर साथ मिलके प्रगति के साथ मनाए, ऐसा सबको एक दूसरे को जो है तो हैप्पी दशहरा आपको सबको ज्यादा। काका पालकी कितने दिनों से पालकी निकल रही है अजंता शहर में? ये पालकी तो निजाम पीरियड के पहले से 150 साल का करीबन, यहाँ दोनों बाबाओं का राज है, बालाजी भगवान का और एक मुगल शाह वाली, उनका भी उरस जो है तो उनके उरस की भी पालकी होगी 200 साल पुराने, 200 साल से भी होगी। और बालाजी का उत्सव भी जो है तो एक मेन उत्सव है जो पहले पास से चले आ रहा है, इसको कम से कम मैं बोले तो 150 साल से ऊंची पार्श्वभूमि। अच्छा, जो वहाँ से बालाजी मंदिर से पालकी निकलती है तो लास्ट में कहाँ तक जाती है? हाँ, ये जो है तो उसका तरीका सिंहोलंग।
बाबू काका से बात करने वाले जो सिलाई जो दशहरा बनता है यहाँ
तो काका पालकी कितने दिनों से पालकी निकल रही जो अजंता शहर में? ये पालकी तो निजाम पीरियड के पहले से 150 साल का करीबन यहाँ दोनों बाबाओं का राज है, एक बालाजी भगवान का और एक मुगल चावली का, उनका भी उरस जो है तो उनके उरस की भी पार्श्वभूमि 200 साल पुराने 200 साल से भी है। और ये बालाजी का उत्सव भी जो है तो एक मेन उत्सव है जो पहले पास से चले आ रहा, जिसको कम से कम भी बोले तो 150 साल से ऊंची पार्श्वभूमि है। अच्छा, जो वहाँ से बालाजी मंदिर से पालकी निकलती है तो लास्ट में कहाँ तक जाती है? हाँ, ये जो है तो उसका तरीका सीमोल्लंघन, दशहरे को दूसरा बोलते सीमोल्लंघन। सीमोल्लंघन के मायने ये होते हैं कि सीमा उलांड के जाना बाहर। तो विजयादशमी के जो त्योहार है तो उसको सीमोल्लंघन इसलिए बोलते हैं कि जहाँ से गाँव से अपने गाँव से दूसरे गाँव में जाना और वो वहाँ से शिव के ऊपर कम से कम शिव ओलांड के जाना और शिव ओलांड के फिर वहाँ से सोना लूट के लाना। तो वो पहले भी वो जो बुराई पर अच्छाई की जीत और अच्छाई की जीत की वजह से ये त्योहार वो दशहरे के दिन चालू किया हुआ है। अच्छा, एक बात ये भी कि जब वहाँ दशहरे जहाँ शिलागन होती है वहाँ पालकी रखी जाती है उसके बाद जो उसके बाद क्या प्रोग्राम होता है? उसके बाद वहाँ प्रोग्राम वहाँ पूजा होती है और पूजा के बाद में शमी का जो हड़ रहता है उसकी पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा वहाँ होती है और शस्त्र पूजा होने के बाद में वो विजयादशमी का प्रतीक बोलकर फिर वो सोना लूटे जाता। जैसे पहले जंग हुआ करती थी जीत में जो है तो जीतने वाला जो है तो वहाँ की हर चीज लूट के लेके आता था, तो उस प्रकार के उस इसमें वो उसको जोड़कर वो चीज बनाई हुई है। अब सोना तो आज लूट नहीं सकते मगर शमी के जो झाड़ आता है, पेड़ आता है, उसके जो पत्ते रहते तो वो पहले जो हमारे चलन था वो सोने की अशर्फिया होती थी, सोने की मुद्राएं होती थी, उस टाइप के वो मुद्राएं होती थी, तो वो उसको सोने का प्रतीकात्मक रूप दे के वो सोना वहां से सोना है बोल के सोना लूट के लाते। और वही जो है तो सब में मिल के पूरे गांव में आने के बाद में सबको एक दूसरे को भाईचारे के हिसाब से गले मिलके, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, तो मजहब का कोई सवाल नहीं है, रिश्तेदारी में भी जाते सब जगह जाते एक दूसरे को सोना देते गले मिलते। और आओ हम आने वाला पीरियड मिलजुल कर साथ मिलके प्रगति के साथ मनाए, ऐसा सबको एक दूसरे को जो है तो ये देते हैं लोग। अच्छा, जो आए बात गले गले मिलते हैं वो भी देखा मैंने इसमें। हाँ, गले मिलते हैं ना, वही ना कि भाई आपसी रंजी से भुला कर उस दिन एक दूसरे के गले मिलो, अपने गले सिकवे सब भूल जाओ और आओ हम अपना नया जीवन शुरू करते हैं। इस ये उसके पीछे की भूमिका रहती, गले मिलते। और उम्र में बड़ा है तो उसके पैर पड़ेंगे, उम्र में अगर बड़ा है रिश्तेदारी में है उसका मान है तो उसको मान के हिसाब से वो करते हैं, हम उम्र है तो गले मिल लेते। अच्छा, तो बाबू काका से हमने
जिम्मेदारी का भी खड़ा है। अजेंडा न्यूज को लाइक देखिए और शेयर करिए। अजेंडा न्यूज को देखो और शेयर करो। सब अजेंडा न्यूज को शेयर करिए। ऐतिहासिक गांव की माहिती लीजिए। अजेंडा न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।